ऐसा था जो घटना 26 तारीख को यहाँ पर हुई उसका हमें 27 तारीख को मालूम पड़ा था दिल्ली में। तो हम सब लोग श्रोमणी अकाली दल दिल्ली हमारी पार्टी का नाम है और दिल्ली में खुदा ताला की मेहरबानी से बहुत अच्छा नाम है। गुरुद्वारों की सेवा भी तकरीबन 15 साल मतवातर हमने की जिसकी वजह से हमारा प्रेम प्यार श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के सिखों के साथ खास तौर पर। जब हमने तकलीफ सुनी तो हम यहाँ आए तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का जिन्होंने एक बनारटी कमेटी को पूरा साथ दिया। उसके बाद हमारी मुलाकात मीर वैज वालों से हुई और मुस्लिम जो संगठन थे उनसे हुई। उन सब ने जो हमें सहयोग दिया वो हम शायद जिंदगी में नहीं भूल सकेंगे। और हमने भी कहा कि हम ये जो भाईचारा है जम्मू कश्मीर से ये भाईचारा हमारा पिछले 500 साल से ज्यादा का है। 520 साल पहले गुरु नानक साहब आए थे, उसके बाद हमारे छहवें गुरु आए थे, तब से हमारा संबंध कश्मीरियों के साथ और सिखों का संबंध बहुत प्रेम प्यार रहा है। एक बहुत ऐसा दौर भी आया पर कुछ चंद घटनाओं को छोड़ के इनके आपस में संबंध बहुत बढ़िया रहे जिसके लिए हम जो बाहर सिख रहते हैं उनको बहुत तस्कीन था इस बात के ऊपर कि हमारे भाई एक बहुत मेजॉरिटी वाले में और ये वहां को 1% है वहां पे को सेफ। अब ऐसा है कि इन सब की बदौलत मैं लड़की वालों से भी मिला, सबसे मिला और हमारा मसला जो है आज ये सुलझ गया। और लड़की जिससे पहले जिसको चाहती थी उसके साथ उसकी शादी हो गई, हम शादी करवाने के बाद ही हम यहाँ आए और हम तहे दिल से इन सब के आभारी हैं, गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के भी, एडमिनिस्ट्रेशन के भी और जितने भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हमें मिली हैं, कई मस्जिदों के मौलवी साहब मिले हैं, उन सब के हम आभार प्रकट करने आपके सामने आए हैं। और ये मैं दुआ करता हूँ कि ये हमारे जो संबंध हैं ये हमेशा टिका रहे। मैंने उन सबको ये भी बोला था कि हम क्योंकि बौद्ध मनाटी में हैं इसलिए आपने हम लोगों का भी ख्याल रखना है, कानून से कोई किसी को ख्याल नहीं रख सकता, आपसे ही मोहब्बत और भाईचारे से ही एक दूसरे की बात रखी जा सकती है और बढ़ावा दिया जा सकता है। ये सारा संदेश लेके मैं आया हूँ, हमें इस बात की खुशी है। जाति तौर पर मेरा मुसलमान भाइयों से संबंध इसलिए ज्यादा है कि मेरा काम जो है वो सारा अरब मुल्कों में है और जब मैंने काम शुरू किया था तो मैंने श्रीनगर से शुरू किया था। मुझे को याद है सोरा एक जगह थी इसके आगे, वहां पे मैं फैक्ट्रियां थी वहां पे मैं जाता था, तो इसलिए मेरा संबंध पुराना है, मेरे को हर बात का इलम है, मेरे को गुरुद्वारों के प्रबंध के लिए पाकिस्तान भी जाना पड़ता है। पिछले 22 साल से मतवातर में जा रहा हूँ, ये कोरोना की वजह से नहीं जा सका, वरना तीसरे चौथे महीने हम अपने गुरुद्वारों की देख रेख के लिए हमें पाकिस्तान भी जाना पड़ता था। तो मैं हर कल्चर को, इस्लाम के कल्चर को, इस्लाम की छोटी मोटी जो बहुत ज्यादा दुनिया थी सब बातें मैं समझता हूँ और जानता हूँ। मेरा साल में 4 महीने अरब मुल्कों में व्यतीत होते थे तो मैं ये गुरुद्वार करना चाहता हूँ आपके जरिए से कि जो भाईचारा इन दोनों कम्युनिटीज का है वो हमेशा बना रहे और जो आप बड़े भाई के तौर पर यहाँ हैं इनको हमारा ख्याल रखना, आगे भी आपने रखा है आगे भी आपने रखना है, ये गुजारिश करने के लिए मैं आया। साहब आपने अभी बोला कि शादी हमने की और चाहने वालों के साथ, हमने नहीं की लड़की वाली, आप थोड़ा सा वो विस्तार से बताएंगे कितनी शादी और किससे हुई? वो दोनों लड़का लड़की जानते थे अपने को, जो लड़की थी
सुखप्रीत सिंह नाम है लड़के का, उसने आज शादी जो है वहाँ पे मनमीत को मनमीत कौर के साथ की जो लड़की वीडियो वायरल हुआ। हाँ एक बात, दो बातें मैं और कहना चाहता हूँ आपसे। जब हम गवर्नर साहब से मिले थे तो हमने ये दरख्वास्त की थी कि कश्मीर में पंडितों की गिनती 5 लाख के करीब है, जम्मू कश्मीर में। और चलो हमारे मुंह में कश्मीर में लगता है, जम्मू कम निकलता है। सिखों की आबादी 2.5 लाख के करीब है। जब पंडित लोगों को रिजर्वेशन मिलता है हर चीज में तो सिखों को क्यों ना मिले। ये इससे पहले डोगरा परिवार से आने से पहले ये सिखों खालसा रियासत थी, ये जो कश्मीर थी, महाराजा रणजीत सिंह का राज था जिसके राज में किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। तो उसके बाद हमारे सिख भाई यहाँ बसे हैं तो इनको भी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। दूसरी बात, जो एक इनकी जगह है तकरीबन हमारे 10 एकड़ से ज्यादा मिलती है, 81 कैनाल जगह है वहाँ पे, वहाँ पे जो है कुछ तो इनके पास है, कुछ काश्तकारों के पास है, पर हम कानून के मुताबिक उनको उनका मुआवजा देके वहाँ पे वापस लेना चाहते हैं, ताकि हम जितने भी सिख जहाँ भी किसी भी स्टेट में रह रहे हैं, महाराष्ट्र वालों ने भी कहा है, हम दिल्ली में भी कर रहे हैं, कि एक अस्पताल ऐसा बनाया जाए जो दिल्ली के बड़े अस्पतालों से भी ज्यादा बड़ा हो जगह, क्योंकि वहाँ बहुत है। हम यहाँ अस्पताल दिल्ली के सहयोग से जो वहाँ का मैक्स हॉस्पिटल है, वेदांता है, फोर्टिस है, बीएल कपूर है, ऐसा अस्पताल हम यहाँ श्रीनगर के पास बनाना चाहते हैं, ताकि समुची जहाँ के रैयत को उसका लाभ मिल सके। सरदार जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बड़ी सियासत की जा रही है, आम कश्मीरी की भाषा समझे जाए तो पिछले 2-3 दिनों से कम्युनल टेंशन क्रिएट कराने की, कुछ सरदारों में भी लोग थे, मुसलमानों में भी होते हैं, लेकिन एक चीज जरूर जानना चाहूंगा, आप कश्मीर के लोगों से मिले, आपको कहीं लगा कश्मीरी मुसलमान का कहीं पे भी इस मामले में विरोध, या इस मामले में कि वो कहीं ऐसी कोई बात नहीं? मैंने अपने जनाब आले, मैंने अपनी बात ऐसे शुरू की थी कि हम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से मिले, मीर वाइज वाले से मिले, और भी मिले, जो उन्होंने हमें भरोसा दिया था उसकी मैं, जो हमारे में बात थी उसकी मैं कत्ल नहीं कर सकता हूँ। जिन आदमियों ने यहाँ के ऐसे भड़काने वाली बातें की है मैं सख्त निंदा करता हूँ। हालांकि मेरा लेना देना उनसे नहीं है, पर मैं क्योंकि दिल्ली से सिख आया, उसने बात किया, मैं उसकी माफी मांगता हूँ। मैं किसी किस्म की चोट उसके बयान से आप लोगों को ही हो, यहाँ की रैयत को ही हो, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि अगर मैं नुमाइंदगी कर रहा हूं तो मैं उसके कही हुई बात के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। और अभी से ये जो सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी है ना, यहाँ से अपनी राइट, सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी यहाँ की बड़ी संस्था है जो सिखों को रिप्रेजेंट करती है, जगमोहन सिंह रहना आपकी एक्टिविटीज में वो आपके साथ नहीं दिखे, क्या वजह? देखिए ऐसा जी, अगर एक मेरी बात यह है जी कि अगर वो हमारे साथ नहीं दिखे, दिखे ये साथ में बैठे हैं हमारे साथ, हमारे हाँ जी, हाँ जी, जो जगमोहन रैना, हाँ जी, दिखे हमारे साथ, वो जगमोहन रैना जी परसों से हमारे साथ, परसों से हमारे साथ ही हैं जगमोहन रैना जी, बाली जी हमारे साथ, हमारे साथ जाके रात को 11:30 बजे कोर्ट परमिशन से लड़की को, परसों से हमारे साथ है, परसों से हमारे साथ है, नहीं बगैर उस ऑर्गेनाइजेशन से मैं यहाँ आ कैसे सकता था, आपको मैं कैसे सकता नहीं, हमारे साथ लेना देना नहीं है, उनके साथ लेना देना नहीं है, जो यहाँ आके भड़काऊ भाषण, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, ये बात हमारे भाईचारे को यहाँ खराब कर रहे हैं, हमारा उनके साथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है, हम बरसों से रह रहे हैं और आज भी रहेंगे, हमारा भाईचारा हमेशा कायम रहेगा। हम हमारी सिर्फ आप लोगों से ये विनती है, जो हमारा भाईचारा परसों से बना है, इतने सालों से बना रहा है, हम इस भाईचारे को खराब ना होने दें। अगर कोई ये गलती करता है हमें जरूर उसको सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए, अगर वो कोई किसी भी धर्म से हो, कोई गलती करता है उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन हम उस गलती के लिए पूरे मुसलमान बरादरी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि आपकी तरफ से जो प्रश्न
कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये क्लेम किया गया कि फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया है लड़की को मैरिज के लिए, और मैं उस कोर्ट में भी जो बयान उसने दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि उसने शादी की है अपनी मर्जी से। अब अगर शादी हो चुकी थी तो आज उसकी शादी कैसे हुई? नहीं नहीं, कन्वर्ट हुई थी, शादी हुई थी, शादी हुई थी, शादी नहीं हुई थी। अगर शादी हुई होती, शादी नहीं हुई तो एडमिनिस्ट्रेशन माँ बाप को लड़की नहीं सौंपता, नहीं सौंपता कभी। शादी नहीं हुई थी, शादी नहीं हुई थी। देखिए इससे पहले भी जो जवाब जो मैसूर नगर वाली लड़की है उसके भी उसने भी बोला है शादी उसके गवर्नमेंट साले हैं, फिर भी उसकी कस्टडी उसके पेरेंट्स को दी गई। लेकिन यहाँ पे अगर आप कल क्लेम कर रहे थे कि लड़की की फोर्सफुली शादी करवाई गई, नहीं हमने शादी नहीं कही, हमने नहीं कहा शादी नहीं कहा, हमने नहीं कहा शादी का नहीं कहा गया, हमने नहीं कहा। एक मिनट में बोलो, जरूर बोलो जी। शादी आप बोल रहे हैं फोर्सफुली शादी कैसे करवाई गई, आप देखिए कोर्ट परमिशन के अंदर, कोर्ट परमिशन के अंदर जब हम गए जिस दिन लड़की को कोर्ट में पेश किया गया, लड़की लड़के के पूरा परिवार कोर्ट की परमिशन के अंदर था, ठीक है जी, लेकिन लड़की के माँ बाप को अंदर जाने नहीं दिया गया। तो आप खुद बताइए जब लड़की के माँ बाप अंदर नहीं थे, जज साहब ने फैसला कैसे सुना दिया उन? क्या जज साहब को लड़की के माँ बाप की, लड़की की माँ की दो बातें सुननी नहीं चाहिए थी? ये कौन सा फैसला है? देखिए ऐसा है, अब हम ये मानेंगे ये जो मसला था या है कि एक आदमी बोल ले प्लीज। हाँ उसका ऑपरेशन हुआ है, हाँ राइट प्रेशराइज है वो। एक मिनट यार, यार सुन दे यार, हम क्या ये माने ये जो मसला था पूरा विवाद जो था या खत्म हुआ इस शादी के साथ? बिल्कुल, क्या यहाँ के लोग जो मुसलमान हैं उन सभी संगठनों ने आपका साथ दिया? बिल्कुल साथ दिया, बिल्कुल दिया। हमें हमारे जानते जहाँ हमारा संपर्क हुआ है, हमें बच्चे से लेके बुजुर्ग तक ने साथ दिया, उन्होंने आश्वासन दिया ऐसा किसी भी इंसान से। यहाँ मैं बता दूं कोर्ट के बाहर कर दिया जाए शादी। अब ऐसा है सर, देखिए ऐसा एक मिनट प्लीज, क्या कानून बनाने से मुजरिम रुक जाता है? मेरे इस बात का जवाब दीजिए। हमने यहाँ भाईचारे के साथ रहना है, उनकी मोहब्बत के साथ। हमारे साथ कोई जाती हो तो हम पीछे, पहले आप लोग हमारी मदद करें, हमने ये रहना है। हम कानून बनने से मुजरिम नहीं रुका है, नाम है उसकी कोई वो ऐसी बात। सरदार साहब क्या आज शादी हुई लड़की की रजामंदी से हुई, कहाँ हुई? क्या जी आज जो शादी हुई लड़की की रजामंदी से हुई ना या समाज नहीं कर पाया? लड़की की रजामंदी से ही हुई है, कैसे शादी हो जाएगी? अपने आप लड़की गई है, अब लड़की अपने आप आई है, वापिस अपने घर गई है। देखिए फोर्सिबली हम कुछ भी कर रहे हैं, तैयार नहीं। हम कौन होते हैं फोर्सफुली कुछ करवाने वाले? फोर्सिबली हमारे धर्म में सख्त बनाई है। थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू।